तो दोस्तों मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 4.2 से दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे जानिए कि दो चर, सबसे पहले जानिए कि चर राशि किसे कहते हैं। तो आप जान जाइएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चर राशि किसे कहते हैं, आपको एक्स वाई और जेड से डिनोटेड करते हैं हम चर राशि को। ठीक है, और अचर राशि जो होता है आपका, ठीक है, जिसमें प्लस और माइनस में कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, जैसे माइनस फोर हो गया, माइनस थ्री, कोई भी संख्या आपका अचर राशि कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुना है। ठीक है, और इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, क्या बनाना है आपको, आपको बनाना है दो चर वाला एक रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक, इसमें दो चर होना ही है। ठीक है, यहाँ पे तीन चर दे दिए ना, उसमें केवल दो ही चर होना चाहिए। तो इससे पहले आप आइए, मान लेते हैं पहले जो रहेगा उसी को आप मान लीजिएगा एक्स। अगर यहाँ पहले कलम रहता तो हम मानते कि माना कि कलम यानी कि कलम का कीमत इक्वल टू एक्स। अगर ये नोटबुक है तो पहले आप उसी को मान लीजिए कि नोटबुक का कीमत इक्वल टू आपका क्या हो गया, एक्स। ठीक है, तो पहले नोटबुक है तो मान लीजिए, माना कि नोटबुक की कीमत इक्वल टू एक्स। उसके बाद फिर नोटबुक के बाद क्या है, कलम, कलम का कीमत इक्वल टू हो गया वाई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आपको क्या बोले, पहले जो रहेगा आप उसी को मानना है आपको एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ पे दो चर वाला है तो दो चर तो आपको लेना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे बोलता है एक नोटबुक की कीमत, पहले नोटबुक है तो इसीलिए माना कि नोटबुक की कीमत इक्वल टू एक्स है और कलम की जो कीमत है आपका वाई हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बनाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, एक नोटबुक की कीमत, तो नोटबुक की कीमत क्या माने एक्स, यहाँ पे इक्वल टू दे दीजिए। ठीक है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, कलम की कीमत से दुगनी, कलम में क्या है वाई है, तो यहाँ कर दिए दो वाई। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा था कलम की कीमत से दुगनी, कलम की कीमत से दुगनी यानी कलम में क्या है, दुगना कर दिए। ठीक है, तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लीजिए। तो यहाँ पर हो गया एक्स, यहाँ पे देखिए समीकरण बनाना है तो समीकरण आपको जीरो होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो माइनस में ले लीजिए दो वाई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। या बन गया आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, यही आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, रैखिक समीकरण को एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये समीकरण है। ठीक है, तो समीकरण में हमेशा जीरो होना जरूरी, समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू किस में है, एक्स में है, बी का वैल्यू किस में है, वाई में है, और यहाँ पर सी का वैल्यू यहाँ पे सी है, यानी कि आपका अचर संख्या होना चाहिए। अचर संख्या कुछ में हो सकता है, प्लस माइनस और कोई संख्या में हो सकता है। ठीक है, सी का मान, तो यहाँ पे देखिए पहले समीकरण, जो समीकरण नहीं बनल रहेगा पहले उसको आप समीकरण बनाइए, क्योंकि यहाँ पे रैखिक समीकरण दिया हुआ है इक्वल टू जीरो, तो पहले आप इसको समीकरण बनाइए, इक्वल टू जीरो होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए इक्वल टू में जीरो नहीं है। ठीक है, तो पहले आप इसको इक्वल टू लीजिए जीरो, दो एक्स प्लस से माइनस थ्री वाई, ये देखिए ये सेट प्लस है तो माइनस में लीजिए 9.35 पे रैकरिंग इक्वल टू जीरो। अब देखिए आपका समीकरण बन गया, इक्वल टू जीरो हो गया तो समीकरण हो गया। ठीक है, ये प्लस है तो ये इसको अंतर लाएं, इक्वल टू की ये सेट लाएं तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब आपको ए बी और सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो गया, आपको क्या बोले, एक्स के सामने क्या होता है, ए होता है, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, दो। फिर यहाँ पे कोमा दीजिए, फिर यहाँ पे बी इक्वल टू लिखिए। ठीक है, बी का मान कहाँ होता है, वाई पे होता है। ठीक है, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे इसके सामने क्या है, यहाँ आपको माइनस में थ्री लेना है, तो बी का वैल्यू कितना हो गया, माइनस में थ्री। ठीक है, और आपको क्या बोले, सी का मान कौन होता है, अचर राशि में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोमा देखिए, अचर राशि में क्या दिया हुआ, माइनस में 9.35 पर रख रहे, ये आपका आंसर बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं सेकेंड में आपका एक समीकरण बना दिया गया, आपको इसमें केवल ए बी और सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू, जहाँ पे एक्स रहेगा वहाँ पे आपको ए का मान होगा, फिर कोमा, फिर बी का वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए वाई छोड़ करके केवल बी का मान लेना कुछ, तो यहाँ पे एक होता तो एक बट्टा पाँच लिए, वो भी माइनस में 1/5, फिर कोमा, सी का वैल्यू क्या हो गया, -10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड वाला में,
यहाँ देखिए समीकरण आपको बनाना पड़ेगा, थर्ड वाला में समीकरण बनाना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू क्या है ये सेट, सिक्स दे दिया आपको, जीरो लाना है, तो माइनस में दो एक्स प्लस में थ्री वाई, ये प्लस है ये साइड, तो माइनस में आया सिक्स इक्वल टू हो गया आपका जीरो, ठीक है। उसके बाद जहाँ एक्स रहता है वहाँ पे ए होता है, जहाँ वाई होता है वहाँ पे बी का मान होता है, और अचर राशि संख्या पे आपका सी का मान होता है। तो ए इक्वल टू हो गया माइनस टू कोमा, बी इक्वल टू हो गया थ्री कोमा, और सी इक्वल टू क्या हो गया माइनस में सिक्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फोर्थ में, तो एक्स ये देखिए इसको अंदर ले आइए, ये प्लस है, तो माइनस में थ्री वाई इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए का मान क्या हो गया आपका, ए इक्वल टू हो गया या ने कुछ, तो एक्स का वैल्यू क्या रहता है वन रहता है, ठीक है, तो यहाँ वन हो गया, फिर कॉमा, बी इक्वल टू क्या हो गया, बी का वैल्यू हो गया आपका देखिए माइनस में थ्री हो गया, माइनस में थ्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए अचर, अचर राशि में कोई संख्या है नहीं है, तो आपका सी इक्वल टू जो हो गया आपका जीरो आंसर हो गया, ठीक है, ये जीरो नहीं हुआ, ठीक है। आपका सी में अचर संख्या में जब कोई नहीं रहेगा तो क्या लेना आपको, जीरो लेना है, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए दो एक्स ये माइनस है, तो प्लस में हो गया फाइव वाई इक्वल टू आपका जीरो। उसके बाद ए बी सी का मान ले लिए, तो ए इक्वल टू दो, जहाँ एक्स रहता वहाँ पे ए का मान, जहाँ वाई रहता वहाँ पे बी का मान, जहाँ अचर राशि रहता वहाँ पे सी का मान, ठीक है। तो यहाँ पे बी का जो वैल्यू हो गया आपका फाइव में प्लस हो गया, उसके बाद सी इक्वल टू हो गया आपका जीरो, क्योंकि यहाँ पे अचर राशि है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए समीकरण बना हुआ, ठीक है, तो ए इक्वल टू हो गया थ्री कोमा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y का मान नहीं है, कि जहाँ पे y रहता वहीं पे b का मान होता है। यहाँ पे देखिए जहाँ y रहता वहाँ पे b का मान रहता है, तो यहाँ पे तो y है नहीं, तो b इक्वल टू क्या हो गया जीरो, और यहाँ पे c इक्वल टू हो गया दो, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेवन और एट में क्या है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सेवन और एट में क्या है, सेवन में जो आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका समीकरण बना हुआ, तो ए इक्वल टू आपका हो गया जीरो, क्योंकि आपका एक्स का मान यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ए इक्वल टू आपका जीरो हो गया। उसके बाद बी इक्वल टू हो जाएगा नहीं कुछ, तो वाई का प्लस क्या रहता है वन रहता है, तो वन हो गया, ठीक है। और कोमा सी इक्वल टू क्या होगा माइनस में टू, क्योंकि अचर राशि है, अचर राशि क्या होता है सी का वैल्यू देता है। उसके बाद देखिए एट का, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद एट का देखिए, एट में क्या है क्वेश्चन आपका, फाइव इक्वल टू दो एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पहले आप समीकरण बना लिए, फाइव ये प्लस है, तो यहाँ आप माइनस में कर दीजिए, दो एक्स इक्वल टू क्या हो गया जीरो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए बी सी का मान ले लिए, तो यहाँ पे आपका एट नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स जहाँ रहता वहाँ पे ए का मान होता, तो एक्स इक्वल टू हो गया माइनस में टू, फिर b इक्वल टू यहाँ पे जहाँ y रहता है वहाँ पे आपका b का मान, तो यहाँ पे y का वैल्यू नहीं तो क्या हो गया जीरो। यहाँ पे c का जो मान आपका हो जाएगा क्या हो गया, अचर राशि यहाँ पे है फाइव, तो आपका फाइव आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।